आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। माँ दुर्गा की नव शक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। आज हम सभी गर्भवती माँ और आपको सुनाएंगे माँ ब्रह्मचारिणी की कथा और साथ में ही करेंगे अपने गर्भस्थ शिशु के साथ प्यारा सा गर्भ संवाद। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली है। देवी का यह स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में यह कमंडल धारण किए है। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल ऐसे खाकर बिताए और 100 साल तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती ही रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिया। कई 1000 वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती ही रही। पतों को खाना छोड़ देने के कारण इनका नाम अपर्णा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की है। यह तुमसे ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति स्वरूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की कथा और वार्ता अवश्य सुने। अब हम करते हैं अपने प्यारे गर्भस्थ शिशु के साथ एक प्यारा सा गर्भ संवाद। हे मेरे प्यारे शिशु, आप मेरे गर्भ में एकदम सुरक्षित होगे, है ना? नवरात्रि के दूसरे दिन आपने अभी ही सुनी माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। माँ ब्रह्मचारिणी ने अपने जीवन में कुछ पाने के लिए बहुत ही तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया था। बिल्कुल वैसे ही आप अपने जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ पाने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए अपने जीवन को, शरीर को तपाना, जितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, आप अपने जीवन में सदाचार, सत्य और अहिंसा का साथ मत छोड़ना। मेरे अति प्रिय शिशु, जीवन के हर एक मोड़ पे संयम रखना ये बहुत ही जरूरी है, जो माँ ब्रह्मचारिणी के जीवन से हमें सीखने को मिलता है। माँ ने ध्येय को प्राप्त करने के लिए अपना जीवन सादगी से भर लिया था। वैसे ही आप अपने जीवन में सादगी अपनाना। माता ने बहुत ही कष्ट सहा, फिर भी वो हिम्मत नहीं हारी। तो आप भी माँ के जीवन से प्रेरणा लेके बहुत ही महान कार्य करना और किसी भी मोड़ पे भले ही कितनी ही परेशानियां आए, निष्फलता मिले, कष्ट पड़े, फिर भी आप हिम्मत मत हारना। हे मेरे लाल, माँ की कृपा दृष्टि हमेशा आप पर बनी रहे, ऐसी प्रार्थना हम दोनों माँ ब्रह्मचारिणी के चरणों में करते हैं।